बिहार में एक जगह है गया और गया के सिविल कोर्ट से एक फैसला आने वाला है पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ है लोग ये सुनना चाहते हैं कि एक फैसला है जो बड़ा अहम है जो पूरे बिहार में बड़े चर्चा का विषय रहा था कि जज साहब इसमें क्या फैसला देने वाले हैं तीन फरवरी 2022 को फैसला आने वाला था जज साहब जब पब्लिक को देखते हैं चारों तरफ देखने के बाद और वकीलों की दलील सुनने के बाद जब फैसला देते हैं तो कहते हैं कि इस व्यक्ति को इस अपराधी को जब तक जेल के अंदर रखा जाए जब तक के इसकी ना निकल जाए जाहिर सी बात है किसी मामले में अगर जज को अपने फैसले देने के साथ कुछ स्पेशल तरीके से बोलना पड़े तो कुछ ना कुछ जरूर उसके पीछे गहरी बात रही होगी बाकी बात इतनी गहरी थी कि इसकी गूंज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गई थी आदाब नमस्कार शस्त्रीकाल मैं उस्मान सैफी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के गया की दरअसल एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर बेटी की उम्र लगभग सत्रह साल उसके बाप की उम्र लगभग पैंतालीस साल बाप उसका एक गांव इलाका लगता है इस्लामपुर वहाँ के एक हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेके जाता है डॉक्टर साहब के सामने गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कहता है डॉक्टर साहब हमारी इस इज्जत को नीलाम होने से बचा लीजिए दरअसल उसकी बेटी है उसकी शादी नहीं हुई है सत्रह साल की उम्र है और उसके पेट में पांच महीने का गर्भ पल रहा था घर में ही किसी तरह से पता चल जाता है और उसका बाप अपनी बेटी को लेकर जब आता है रोते हुए गिड़गड़ाते हुए डॉक्टर से कहता है कि इसका गर्भपात कर दीजिए क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है समाज के लोगों को जब ये मालूम होगा कि लड़की शादीशुदा नहीं और गर्भवती हो गई है तो बड़ी बदनामी होगी डॉक्टर साहब ने सामाजिक दृष्टि से उस बेटी को ले जाकर उसका अबॉर्शन करने की जब शुरुआत की तो डॉक्टर ने आखिरकार पूछ ही बैठे कि बेटी ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ हालांकि उन्हें कोई अधिकार नहीं था ना ये सब करने का और ना ही ये सब पूछने का फिर भी जब डॉक्टर साहब ने बार बार पूछा रिक्वेस्ट की तो बेटी डॉक्टर साहब को देखने के बाद आंखों में आंसू भर लाई कुछ बोल नहीं पा रही थी उसकी आंख से जब आंसू जोर जोर से गिरने लगते हैं तो वाकई ये बहुत भयानक था तब तक उसका अबोर्शन हो चुका था डॉक्टर पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे रोने की क्या वजह है क्यों रो रही हो क्या दिक्कत है तब वो बताती है कि ये जो मेरे पेट में बच्चा था वो किसी और का नहीं मेरे खुद के बाप का बच्चा था मगर अब से कुछ देर पहले जब उसका बाप आता है और आकर कहता है कि मेरी बेटी का आवर्षण करा दीजिए समाज में बड़ी बदनामी होगी तो ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही थी डॉक्टर भी हिलके रह गया कि आखिरकार एक बाप अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है डॉक्टर ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया और तुरंत ही पुलिस को मौके पर बुलवा लिया पुलिस मौके पर आती है और उस बेटी के जब बयान लेती है तो बेटी बताती है कि उसका पिछले एक साल से उसका बाप इसी तरह से रेप कर रहा था गंदा काम कर रहा था और वो बेटी गर्भवती हो जाती है जब गर्भवती हो जाती है तो ये बात कहीं समाज के लोगों को ना पता चल जाए ये बात घर से बाहर ना फैल जाए तब वो अपनी ही बेटी को हॉस्पिटल में कुछ इस अंदाज में लेकर आता है जैसे उसके साथ किसी और ने गलत किया है पुलिस उस आरोपी को जब हाथों हाथ गिरफ्तार कर लेती है जिसका नाम है सुरेंद्र पासवान गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की अखबारों में सोशल मीडिया पर जब खबर वायरल होती है लगातार तो उस बाप का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आता है फिर वहां के इलाके के लोग सामाजिक संस्थाएं स्कूल कॉलेज हर व्यक्ति उस व्यक्ति उस को बड़ी से बड़ी से सजा की मांग करने लगा फरवरी 2022 का है सुबह के लगभग दस या ग्यारह बजे के आसपास का वक्त रहा होगा उस वक्त सिविल कोर्ट के पोस्ट को कोर्ट के विशेष जज एडीजे सप्तम नीरज कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे सुनवाई करते करते जब इस पूरे घटनाक्रम की दलील वकीलों के माध्यम से सुनते हैं एक पक्ष इसको बचाने में लगा हुआ है एक पक्ष इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है तब यानी कि नीरज कुमार कहते हैं कि इस व्यक्ति को जेल के अंदर सलाखों के अंदर तब तक रखा जाए जब तक इस व्यक्ति के प्राण हमेशा हमेशा के लिए निकल ना जाए वाकई कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है सोचने वाली बात है अगर बेटियां अपने ही घर में अपने ही माँ बाप के अपने ही उस चार दवारी में जिसमें वो बचपन से पली हैं बड़ी हैं सब कुछ हुआ है और वहीं सुरक्षित नहीं है तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित होंगी कोर्ट को शायद इससे भी बड़ा कदम उठाना चाहिए था साथ ही जो कोर्ट की एक व्यवस्था है वो कम से कम समय में अगर अपराधियों को सजा मिले तो अपराधियों के अपराध करने की जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएंगे दोस्तों इस कहानी को सुनाने का इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है आपको सचेत करना है आप अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें साथ ही में जाते जाते आपको ये बता बता दूँ कल छः फरवरी रविवार का दिन है कल एक स्पेशल स्टोरी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो स्टोरी वाकई अपने आप में बड़ी दिलचस्प है वो इस स्टोरी ने पूरे देश को हिला के रख दिया था छः फरवरी का दिन मैंने इसलिए चुना था चूँकि ये घटना 6 फरवरी 2017 को अब से ठीक पाँच साल पहले हुई थी तो उस खबर को देखना ना भूलें कुछ स्पेशल है आपके लिए जय हिंद जय भारत